हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ आमरीन, अमरीका सिने ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज है गणेश चतुर्थी, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद के लिए लड्डू, बेसन का लड्डू, जो कि गणेश चतुर्थी में लोग बनाते हैं, और मैं भी बनाने जा रही हूँ। मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ बेसन का लड्डू घर पे, तो देखते हैं बनता है या नहीं बनता, फ्लॉप होता है या बन जाता है। आई होप बन जाएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि नहीं बना तो, पर बन जाना चाहिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाया। मैं बनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी के लिए बहुत ही मज़े का बेसन का लड्डू घर पे ही, और देखते हैं कैसा बनता है। मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं सोच रही थी अगर अच्छा नहीं बना तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर मैंने सोचा जैसा भी बनेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और अगर अच्छा बन गया तो बहुत अच्छी बात है। पहले यहाँ पर मैंने आधा आधा कप बेसन, आधा कप सूजी लिया था, क्योंकि मैं डरते डरते बना रही थी, और 5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर घी लिया था। और मैं यहाँ पर डिवाइड करके देख रही थी कि यहाँ पर मतलब इतने में कितना लड्डू बन पाएगा। तो फिर ना यहाँ पे बहुत अच्छे सा मोयन बन गया था, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ऐसे बन रहा था। फिर मैंने यहाँ पे फिर आधा कप बेसन, आधा कप सूजी लिया, मतलब मैंने टोटल 1 कप बेसन, 1 कप सूजी और 5 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे घी लिया था, और 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया था, और यहाँ पे एक सॉफ्ट सा डो को गूंद लिया था मैंने, और गूंद के मैंने इसको लगभग 10 से 20 मिनट के लिए रख दिया था, जितना आपके पास टाइम हो। लगभग 20 मिनट के लिए रखना ही रखना है, ताकि जो सूजी है फूल जाएगी और इस डो जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसी गोली गोली एक टिक्की के शेप दे दिया है, बहुत ज़्यादा मतलब पतली नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, मीडियम एक टिक्की का ऐसा शेप दिया है, आप देख सकते हो सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। उसके बाद मैंने फोक के हेल्प से दोनों टिक्कियों में छेद कर दिया, ताकि ये जो टिक्की है वो फूले ना, और बहुत अच्छे से हमारी जो ये एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, सिक जाए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। एक जैसे बेसन का लड्डू होता है ना येलो कलर, उस तरह में मतलब इसको मैंने फ्राई करा है। यहाँ पे मैंने ऑयल में फ्राई करा है, मतलब रिफाइंड ऑयल में। आप चाहो तो आप घी में भी फ्राई कर सकते हो, घी में ही बाजार वाले लोग फ्राई करते हैं, पर मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऐड किया था। और यहाँ पे देख सकते हो आप, एक गोल्डन ब्राउन हल्का सा हो गया है, बस इतने पे ही मैं इसको निकाल लूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, नहीं तो नहीं इसका अलग सा अजीब सा कलर हो जाएगा। सबको मैं निकाल लूँगी, निकालने के बाद थोड़े देर के लिए रेस्ट किया है ताकि ये ठंडा हो जाए, और ये आप देख सकते हो बिल्कुल बिस्किट के जैसी हमारी ये जो पापड़ियाँ हैं वो बन के रेडी हो गई हैं। इसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर तोड़ लिया है, और तोड़ने के बाद सारे और जो 4 थी ना उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया, तब तक इसको मैं पीस लेती हूँ। यहाँ पे पिस चुका है, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया पिस आया है, बिल्कुल ददरा सा, ऐसे ही मुझे चाहिए था। फिर बॉल में सारे बेसन को मैंने डाल लिया है, और बाकी के जो और टिक्कियाँ बनी थी वो भी हमारी बन गई थी, उसको भी पीस लिया है। यहाँ पे सब इकट्ठा डाल लिया है, इलायची पाउडर ऐड करी है, शुगर ऐड किया, शुगर मैंने आधा कप मतलब पाउडर शुगर ऐड करी थी। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे गाइस घी ऐड करना स्टार्ट किया, मतलब ये इतना सूखा हुआ था, मैं सोचा ये लड्डू बनेगा कैसे, फिर यहाँ पे घी ऐड करना स्टार्ट किया मैंने, नॉर्मल घी, और लगभग यहाँ पे हमारी 1/4 कप के करीब घी चली गई थी, तब जाके इसका एक जो टेक्सचर था वो लड्डू वाला बनने लगा था। आप चाशनी वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था मुझे, मतलब हिम्मत नहीं पड़ी थी वो वाला बनाने का, तो मैंने सोचा ये वाला बना के देखती हूँ, अगर बन जाता है तो ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का हुआ था, मुझसे तो नहीं बन रहा था, मैं बहुत बहुत बार मैंने ट्राई करा, फिर मम्मा को बोला तो मम्मा से बन रहा था, वो हमेशा उन लोग करते रहते हैं, तो मतलब मम्मा से ये बन रहा था। मम्मा ने कहा कि थोड़ा सा ये ड्राई है और थोड़ा सा घी और डाल दो। मैंने यहाँ पे घी गरम करके डाल दिया गाइस, यहाँ पे गरम करके डालने के बाद में जो हुआ मेरे साथ में इतना अजीब सा हो गया, मतलब जो शक्कर थी ना वो मेल्ट होने लग गई, और जो लड्डू का टेक्सचर था वो हल्का सा चिपचिपा सा होने लग गया, तो मतलब लड्डू ऐसा नहीं होना चाहिए था पर होने लगा था। पर इसको मैंने सारे लड्डू बना के फ्रिज में जब डाल दिया ना, तो वो बिल्कुल अपना एकदम ओरिजिनल वाला टेक्सचर ले लिया था। तो बस हमारा लड्डू बन के रेडी हो गया है, और बहुत मज़े का बना था, टेस्ट में बहुत अच्छा बना था, बाहर से भी अच्छा, और देख सकते हो आप।
गाइस मेरा लड्डू बन गया था, आपने देखा होगा, और बस थोड़ी सी गड़बड़ कहाँ पे हो गई थी, आप लोग ये गलती मत करना। बताएं, जब मैं उसको लड्डू को बांध रही थी तो आपने देखा होगा ना कि बहुत ही ड्राई था, तो मुझसे नहीं बन रहा था, मम्मा बांध रही थी जब उसे लड्डू बना रही थी तो बन रहा था मम्मा से, और मम्मी ने बोला कि इसमें तुम थोड़ा सा घी डाल दो गर्म करके, तो मैंने उस पर ना घी कम था, वैसे भी घी कम था, तो मैं धीरे धीरे घी डाल रही थी, मुझे लग रहा था कहीं घी ज्यादा ना हो जाए, तो मम्मा ने बोला कि गरम करके डाल दो और ये जो शक्कर है वो हल्की से मेल्ट होएगी तो वो अच्छे से बनने लगेगा। मैंने क्या किया, मैं बहुत ज्यादा गरम करके घी और उसमें ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड करा वैसे ही मिक्स करा, और वो जो शक्कर था वो गरम से इतनी जल्दी मेल्ट होने लगा, पूरा गीला गीला सोने लगा, मैं डर गई, मैंने सोचा मेरा पूरी मेहनत बर्बाद। मेरा शुरू से आखिरी तक बहुत अच्छा चला था, बस वो वहाँ पे थोड़ा सा घी कम था, तो मैं मुझे नॉर्मल नॉर्मल घी ऐड करना था। आप ना हमेशा कभी भी घी अगर कम होगा तो ऐड करना, नॉर्मल घी ऐड करना, जो कि ज़्यादा जमा भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो, गर्म घी बिल्कुल भी ऐड मत करना, मैंने ऐड किया था, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसके बाद मैं डर गई, मैं थोड़ी देर तक रोने वोने लगी, क्योंकि मतलब इतने देर से मैं बना रही थी, मैं इसको पता है रात में बनाया था, मैंने इसको 11 बजे से स्टार्ट किया था बनाना और लगभग 1:30 बज गया था, तो 1:30 बजे जब ऐसा मतलब गड़बड़ हो जाएगा तो फिर मूड तो पूरा एकदम डिस्टर्ब हो चुका था। मैंने फिर कुछ नहीं बोला, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई 10 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में डाल दिया। पर फ्रीज़र में जब डाला ना तो 5 मिनट बाद मैं फिर से मन नहीं भाना, मैंने देखा तो ऐसा हो गया था, थोड़ा थोड़ा सा जम गया था, मतलब इतना ज़्यादा गीला भी नहीं था, लड्डू का शेप इजली बन रहा था, तो मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं करूँगी इसका, और लड्डू का बस शेप बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस बन गया था लड्डू, बहुत ईजी बन गया था, फिर मम्मा की हेल्प भी नहीं लेनी पड़ी थी और वो ईजी मुझसे बन गया था, और मम्मा भी सो गई थी तब तक, तो बस मैंने ये लड्डू बना के और उसको फ्रिज में डाल दिया। सुबह में एकदम अच्छे से मतलब बना हुआ था, आपने देखा, बहुत इजी बन के रेडी हो गया था। बस आप लोग ये गलती करना, गरम घी या ऑयल कुछ भी ऐड मत करना, और इसमें हो सकेगा तो नॉर्मल घी ही ऐड करना। और बस आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना। मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बाय गाइस।